गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारा मास्टर बेडरूम है और कर्टेन को हटा दीजिए और सुबह में जो रोशनी आती है हल्की हल्की सी और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, बिल्कुल गुड वाइब्स वाली फीलिंग आती है। जो मेरा मनी प्लांट है ये बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा है दोस्तों। जब से मैं लगाया हूँ तब से इतने ही पत्ते हैं इसमें और ये वन रूम जो भी ठीक ठाक ही चल रहा है ये भी कोई खास ग्रोथ नहीं कर रहा है। किचन में आ गए हैं मोपिंग करना है दोस्तों। तो वैसे दोस्तों मैं रात में बर्तन धो के क्लीन करके सोती हूँ, बट एक सुबह में जो फॉर्मेलिटी है कि उठे एक बार और आप अपने किचन को पोंछ दीजिए, उसके बाद ही गैस पे खाना वाना बनाइए दोस्तों। घर हमारा दोस्तों मंदिर से कम थोड़े ना है, इसे जितना अच्छा से आप रखिए क्लीन करके डेकोरेट करके ये सब हमारे हाथ में है। हम किस तरह से अपने घर को रखते हैं दोस्तों, जैसा हम अपने घर को रखेंगे वैसे ही हमारे मन में विचार भी आते हैं दोस्तों। अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे कर्म करेंगे। तो हमें अच्छे विचार ही रखने चाहिए, मन को जिस काम में शांति मिले सुकून मिले हमें वही काम करना चाहिए। मुझे यहाँ आके एक्चुअली बैठना ही बहुत पसंद है। मैं ज्यादा यहाँ पे आके म्यूजिक एडिटिंग वगैरह करना रहता, मैं यही करती हूँ। वेजिटेबल चॉपिंग करना हो तो मैं यही करती हूँ। बगल में ही जस्ट मेरा यही पे डाइनिंग टेबल है दोस्तों, काफी अच्छा लगता है। शाम के टाइम में तो यहाँ और भी अच्छा लगता है, हल्की हल्की सी लाइट जलती है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो फाउंटेन देख रहे हैं ना दोस्तों मटका, ये मैं बनाई हूँ और ये चलता है दोस्तों, बट मैं यहाँ ऑन करके नहीं रखी हूँ, मैं बंद ही रखती हूँ क्योंकि जब ये चलता है तो इसमें से पानी के जो बूंदे हैं ना पूरा इस पर निकलते हैं, तो ये वुड का है तो मुझे लगता है कि खराब ना हो जाए तो इसलिए मैं ऑन नहीं करती, तो ये अच्छा लगता है। अब दोस्तों थोड़ा सा ब्रेक लेके चाय पी लेते हैं। अब कर लेते हैं अपने फ्लोर का क्लीनिंग। तो दोस्तों मैं अभी कोई मैट नहीं रखी हूँ, मैं अपना काम खुद ही करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है खुद से क्लीन करना। और जब तक चल रहा है दोस्तों, जब लगेगा कि नहीं कर पा रही तो उस समय देखा जाएगा। फिलहाल तो मुझे अपना काम खुद करना ही अच्छा लगता है। और इससे अच्छा एक्सरसाइज तो खैर हो ही नहीं सकता। और दोस्तों मेरा हस्बैंड बाहर में धो रहे हैं, ये जब रहते हैं तो जरूर धो देते हैं, यही धोते हैं एक्चुअली। और जिस दिन ये ड्यूटी में रहते हैं बाहर में आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं उस दिन मैं क्लीन करती हूँ। तो हम दोनों मिलजुल के घर को संभाल लिया दोस्तों यूँ कहें तो, क्योंकि इनको भी नीट एंड क्लीन साफ सुथरा बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी ये बीमारी है दोस्तों क्लीनिंग वाली, बिल्कुल खुद से अपना काम करना खुद से डस्टिंग करना जो मन को सुकून मिलता है। किसी के भरोसे अपना घर को यूँ
वैसे दोस्तों जब लगेगा कि हाँ कर नहीं पा रही हूँ, बहुत बड़ा घर हो गया, तब देखूंगी, उस समय रख लूंगी मेट। बट अभी तो मैं खुद ही करती हूँ और मुझे करने में बहुत मजा आता है दोस्तों, सच बता रही हूँ। अपना घर का काम करना किसी नहीं अच्छा लगेगा। और मेरे हस्बैंड आ गए हैं बालकनी में और मेरे प्लांट्स का ख्याल रखते हुए इन्हें नहला रहे हैं, पानी दे रहे हैं। और ये बोलते हैं कि तुम्हारा प्लांट्स कैसे हुआ, लाता तो मैं हूँ और तुम लगाती हो, केयर करती हो, मैं भी केयर करता हूँ। तो दोस्तों हस्बैंड वाइफ में तो नोक झोंक चलती रहते हैं। लीफ देखिए दोस्तों कितना प्यारा है, ये प्लांट इतना खूबसूरत लगता है ना दोस्तों, इतना खूबसूरत लगता है। दोस्तों मेरा मोपिंग का काम हो गया और उसके बाद दोस्तों मैं नहा ली, कुछ कपड़े थे दोस्तों गीले जिसे मैं यहाँ बालकनी में डाल देती हूँ। और दोस्तों अब आके कर लेते हैं पूजा। मेरा कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं किचन में नाश्ता और खाना बना लेते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मुझे अपने बच्चों को ट्यूशन लेके जाना है क्योंकि काफी लेट हो गया है। तो मैं फटाफट खाना बनाने में लग गई दोस्तों। कटहल की सब्जी मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। मेरा यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो गया और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।